लोकसभा चुनाव को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। लगातार कार्रवाई कर अपराधियों को सलाखों के पीछे भेज रही है। इसी कड़ी में हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में एक युवक के पास हथियार होने की सूचना मिली, जिसके बाद टीम गठित करवाई गई, जिसके बाद दो अपराधी मोहम्मद कबीर और मोहम्मद सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा और मोबाइल फोन बरामद किया गया है। गिरफ्तार अपराधियों की संलिप्तता छोटू रंगसाज की हत्या में भी हो सकती है। पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। आखिर किस मकसद से घर में हथियार रखा था, साथ ही हथियार कहां से कबीर के पास आया, इस मामले में और भी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। इस घटना की जानकारी देते हुए एसएसपी ने बताया कि चुनाव को देखते हुए पुलिस विशेष चौकसी बरत रही है। लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गली मोहल्ले में भी बाइक से पेट्रोलिंग किया जा रहा है। किसी भी हालत में राजधानी रांची में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। मामला जो है, ये लोग हथियार रखे हुए हैं और कोई क्राइम करने वाले हैं। इस सूचना पर ही जो है इनके घर छापेमारी की गई और जो है कबीर के घर से हमें जो है देसी कट्टा मिला, जो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड है। और इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि इसे सोनू ने रखा है। एक्चुअली सोनू का वेपन है जो इसके पास रखा हुआ है। ये दोनों साथ ही क्राइम करते हैं। इन दोनों का आपराधिक इतिहास भी है। पहले भी ये लोग रंगदारी आराम से अपनी जेल गए हुए हैं। और एक जो महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जो छोटू रंगसाज की हत्या हुई है उसमें भी इनके संलिप्तता की छानबीन चल रही है। ये जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, थोड़ा ये जो है ये अनुसंधान का विषय है। उन सारे बिंदु पर भी छानबीन चल रही है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज़ नेटवर्क को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।